मयंक मेरा रेडी है स्कूल जाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और सुबह सुबह का वक्त है, सुबह 5:30 बज रहा है और बाहर का वेदर कितना अच्छा है, कैमरा में फोकस नहीं आ रहा है एक्चुअली। और आज मैं सुबह सुबह इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज से मयंक का स्कूल ओपन हो रहा है, मतलब आफ्टर समर वेकेशन तो सुबह तो उठना ही था मुझे। एनीवेज चलिए पहले मैं उसका लंच बॉक्स रेडी करूँ, मैं किचन की तरफ जाऊँ। ये देखो मेरा किचन, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ उसका लंच बॉक्स है। मैं खुशबू साइज ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसका लंच बॉक्स अभी रेडी करना है और ज़्यादा जोर बात नहीं कर सकती क्योंकि घर में कोई उठा हुआ नहीं है। तो चलिए पहले मैं काम स्टार्ट करती हूँ। सुबह सुबह किचन में आते ही मैं यहाँ का खिड़की खोल देती हूँ, यहाँ से ना बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह के वक्त। और अभी तो सुबह का 5:30 के करीब हो रहा है, बहुत अच्छी हवा आती है। और मैं ना यहाँ पे मयंक के लिए ब्रेड ऑमलेट रेडी कर रही हूँ, बेसिकली आप फ्रेंच टोस्ट भी बोल सकते हो लेकिन उसमें ऑनियन वगैरह पड़ता है, मैं ये सब नहीं डालती हूँ। सिंपल सा अंडा ब्रेड बना देती हूँ नमक डाल के, क्योंकि मयंक को मैं टिफ़िन में वही चीज़ देती हूँ जो उसको पसंद आए। मैं एज ए मॉम आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप बच्चों को ना टिफ़िन वही दें, टिफ़िन में वही खाना पैक करें एक्चुअली जो बच्चे खा ले, चाव से खा ले। नहीं तो क्या होगा ना, टिफ़िन जैसा का वैसा ही पड़ा रह जाएगा। स्पेशली मैं का तरह छोटा बच्चे का बारे में मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो टिफ़िन वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाएगा और सुबह बच्चा सिर्फ बिस्कुट और मिल्क पी के चला जाता है स्कूल। तो अच्छा है कि उसका पसंदीदा टिफ़िन दिया जाए तो वो पूरा टिफ़िन बॉक्स खाली हो जाता है। मैक्सिमम 15-20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, उसमें टिफ़िन बॉक्स खाली हो जाए तो हम मॉम्स का और क्या चाहिए। तो मैं वही पैक कर रही हूँ और यहाँ पे ना मेरा ये वाला पैक हो गया है और ये छोटा वाला में ना मैं उसको थोड़ा सा पटाटा बिस्किट दे रही हूँ। ये ना थोड़ा सा चिप्स का तरह लगता है खाने में, वो बहुत पसंद करता है तो मैं वही पैक करके दे रही हूँ। मैंने ना मयंक का टिफ़िन बॉक्स रेडी कर दिया है, मतलब लंच बॉक्स में आपको ये देखो उसका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है। और मैं खुशबू साड़ी हूँ इसलिए क्योंकि सब कोई बगल में सो रहा है, मैंने रेडी कर दिया। अब मैं हम लोग के लिए चाय बनाऊंगी। क्या गर्मी है यार सुबह सुबह ना, अगर आप किचन रूम में आ जाओ तो लगेगा ना कोई जैसे उबला हुआ चीज हो जाता है ना, खुद ही उबल जाओगे, इतना गर्मी है यहाँ पे। मेरा हालत देखो, इतना गर्मी से मैं पूरा एकदम पसीना पसीना हो रही हूँ। एनीवेज चलो अब मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए, मैं खुसल खुसल कर रही हूँ। बगल में बेडरूम है मेरा, सब सो रहे हैं। अभी 5:45 हो रहा है, मतलब 15 मिनट बाकी है 6 बजने के लिए, मैं को 6:30 को उठाना है। और यहाँ पे लगी हूँ मैं सबका चाय बनाने के लिए। चाय जब तक उबल रही है मैं यहाँ पे डिश वॉशर लोड कर चुकी हूँ, साथ ही साथ जब तक चाय पियेंगे मेरा बर्तन भी सारा धुल जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, मयंक इज रेडी। मयंक का न्यू आईडी कार्ड आया है स्कूल से, ये देखिए मयंक का नया नया आईडी कार्ड आया है। से हेलो एटलीस्ट। हेलो। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मयंक मेरा रेडी है स्कूल जाने के लिए। Oh,
मायंक चला गया है स्कूल और मेरा हालत देखिए इतना खराब है। मैं अभी सब कुछ समेटू, अपना हालत ठीक करूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मयंक स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ पे लगी हूँ रूम क्लीन करने, क्योंकि सुबह सुबह ना उतना वक्त नहीं होता है, तो एक बार रूम को क्लीन कर दूंगी, डस्टिंग कर दूंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट का भी तैयारी। मैंने ना बेड वगैरह पूरा समेट लिया है, पूरा क्लीन कर चुकी हूँ मैं। अभी फिलहाल जाऊंगी किचन में, ब्रेकफास्ट रेडी करना है क्योंकि शेखर जी को भी निकलना है। ऑलरेडी देखो आप, ये देखो 7:45 बज रहा है, शेखर जी आएंगे तो शेखर जी 8 बजे तक निकल जाएंगे, तो 8 बजे तक नहीं 8:30 तक निकलेंगे, तो उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तो मैं पहले किचन समेटूं क्योंकि लाइट्स ऑफ करूं, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं किचन का हालत यहाँ पे बहुत खराब हो गया है। ये देखो पूरा मेस पड़ा हुआ है, पहले मैं किचन संभाल लूं, समेट लूं और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट तैयारी करूंगी। मेरा यहाँ ना सुबह सुबह किचन का हालत पूरा बिगड़ जाता है, इसको थोड़ा बहुत साफ़ सफाई नहीं कर लूँ ना तो मेरा चैन नहीं मिलता है। मतलब इतना गंदा किचन में ना मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो वही साथ ही साथ मैं पहले साफ़ कर लूँगी किचन को, बर्तन थोड़ा सा रिंस कर दूँगी और गमले में इकट्ठा कर लूँगी। तो क्या होगा कि सेकेंड लॉट जब डिश वॉशर फर्स्ट लॉट खाली होगा तो ये गमले का जितना बर्तन है सेकेंड लॉट में मैं लोड कर दूँगी। तो चलिए मेरा किचन यहाँ पर क्लीन हो गया, अच्छा खासा सिंक एरिया भी क्लीन मैं कर चुकी हूँ, अब मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी करूंगी। Hey guys, मैंने पूरा किचन समेट लिया है, पूरा किचन मेरा यहाँ का क्लीन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आज मैं जो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी ना थोड़ा सा देसी स्टाइल बनाऊंगी, मतलब यूपी स्टाइल, हम लोगों का गांव का घर में जैसे बनता है रोटी दाल कुछ भुजिया बन जाता है, तो ऐसे आलू का भुजिया तो सभी कोई बनाता है, लेकिन मैं आज बनाने वाली हूँ परवल आलू का भुजिया। परवल बहुत सारा है घर पे तो फटाफट बन भी जाते हैं, और अभी मैं थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए दिखा रही हूँ, जो लोग न्यू इन किचन, ब्रेकफास्ट में लंच तो मैंने दिखा दिया, तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ हमेशा दिमाग में चलते रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज टिपिकल इंडियन नॉर्थ इंडियन हाउसवाइफ लोग जो भी बनाता है घर में बनता है। हम लोग का घर में रोटी ब्रेकफास्ट में ज्यादातर नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी ना कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करने का मन किया कर जाता है, सभी का मन कर जाता है, क्योंकि आज जैसे शिखर जी को निकलना है अभी, मतलब वो बोले कि आज ओट्स लेके नहीं निकलेंगे क्योंकि आते आते उनका बहुत लेट हो जाएगा, तो कुछ हैवी ब्रेकफास्ट बनेगा। तो हैवी ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि दाल रोटी और परवल आलू का भुजिया बना देती हूँ एकदम देसी स्टाइल। तो मैं वही, मैं देखो दाल मैंने निकाल लिया यहाँ पे और परवल भी निकाल के ला रही हूँ फ्रिज से, तो परवल आलू का भुजिया भी मैं बना दूंगी और रोटी भी सेक लूंगी, ज्यादा देरी नहीं लगेगा, 9 बजे तक मेरा हो भी जाएगा, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी फटाफट काम स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे ना दाल को मैं धो के रेडी कर लूँगी, ये पिंक वाला मसूर का दाल है, इसमें ना वाइट वाला पानी जब तक नहीं निकल जाए तब तक इसको वॉश करना है। मैं 4-5 पानी से इसको वॉश कर ली हूँ अच्छे से, अब मैं दाल को देखिए साफ पानी आ गया, दाल चढ़ा दूंगी, सिंपल सा दाल बना रही हूँ। अब कुकर में भी बना सकते हो, हम लोग कुकर वाला दाल उतना खाते नहीं हैं, इसलिए हल्दी नमक दे के दाल चढ़ा दिया। जब तक दाल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी, और आटा लगाना ना बहुत ही ईजी है, ऐसे आप हाथों से लगाइए बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ। और एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि आटा लगाना जब हो चाय आपका कंप्लीट, तब कुछ मस्टर्ड ऑयल या रेगुलर ऑयल डाल के उसको आटा में अच्छे से आटा के साथ उसको रेस्ट करने दीजिए, ऑयल लगा के आटा में, ट्रस्ट मी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। और यहाँ पे कुछ परवल और आलू मैंने ले लिया है, इतना
एक्चुअली हम लोग के लिए काफ़ी है। तो परवल का ना दोनों साइड का मुंह आप हटा दीजिए, उसका छिलका जो है ना पूरा निकालना नहीं है, वेस्टेज आप इस तरह से निकाल लीजिए। निकाल के परवल को पूरा साफ़ कर लीजिए अच्छे से, मतलब पूरा क्लीन कर लीजिए, कोई भी वेस्टेज जो रफ़ ऊपर का रफ़ स्किन होता है ना वो सारा निकल जाए। लेकिन पूरा जो स्किन है उसको निकालना आपको नहीं है, सिर्फ रफ़ वाला जो स्किन है उसको निकाल के परवल को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ताकि परवल अच्छे से बॉयल्ड हो जाए जब सब्जी बने। तो सारे परवल मैं इस तरह से क्लीन कर चुकी हूँ। अब इसको ना भुजिया का तरह काटेंगे, जो आलू का भुजिया नहीं बनाते हैं, और ये देखिए एकदम इसमें शीट्स नहीं है, तो कुछ निकालने का भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एकदम इस तरह से अब कट कर लीजिए, कट लगा लीजिए परवल में, मतलब आलू का भुजिया का तरह छोटे छोटे कट लगा लीजिए, लंबे लंबे कट लगा लीजिए, सॉरी। तो चलिए ये परवल तो मेरा रेडी हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली आप किस तरह से इसको कट लगाओगे। इस तरह से लगा लीजिएगा कट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी लगता है बनने के बाद। तो मैं यहाँ पे हाथ थोड़ा धीरे ही चला रही हूँ क्योंकि कैमरा के सामने हाथ थोड़ा धीरे हो जाता है मेरा। तो एनीवेज इस तरह से अब कट कर लीजिए परवल को, इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, और आलू को भी सेम तरीके से लंबे लंबे कट कर लीजिए क्योंकि हम लोग भुजिया बना रहे हैं। तो भुजिया में हम लोग हमेशा लंबे कटे हुए आलू, परवल, बैंगन सब लंबे कटे हुए अच्छे लगते हैं एक्चुअली। ऑनियन, जब ऑनियन का भाजी भी बनता है बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, पकोड़े नहीं भाजी का किसी दिन मैं शेयर करूंगी। तो चलिए यहाँ पे बातों बातों में मेरा दाल भी बॉयल हो चुका है, अब इसको छौंक लगा दूंगी, बस उतना ही करना है क्योंकि प्लेन और सिंपल दाल मैं बना रही हूँ। मास्टर ऑयल में छौंक लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं, एक सूखी हुई लाल मिर्ची डालूंगी, थोड़ी सी जीरा डालूंगी और थोड़ी सी राई, दैट्स इट। अब हो गया ये रेडी। तो चलिए दाल को मैंने तड़का लगा दिया है और दाल मेरा रेडी हो गया है, प्लेन सिंपल यामी सा ब्रेकफास्ट वाली दाल, तो बस कोई तामझाम नहीं। चलिए दाल साइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे कढ़ाई ले चुकी हूँ, उसमें 2 टेबलस्पून मास्टर ऑयल डाला, उसमें डाला है जीरा और एक बड़े साइज़ का कटे हुए प्याज मैं इसमें डाली हूँ। प्याज आपको तब तक भूनना है जब तक ये प्याज एक दूसरे से खुल ना जाए। तो चलिए प्याज खुल चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी आलू, जितने लंबे कटे हुए आलू, क्योंकि आलू ना पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो चलिए इसको एक स्टर दे दिया और ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 10-1 मिनट तक पका लेंगे। तो मेरा 10 मिनट हो चुका है गाइज, तो देखो आलू थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं मेरा, इसमें कोई मसाले नमक कुछ ऐड में नहीं की हूँ। अब मैं डायरेक्टली परवल ऐड कर दूंगी, जो कट करके रखी थी, इसको अच्छे से साफ करके भी मैं रखी थी, इसको एक मिक्स दे देंगे अच्छा सा। अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी, और हल्दी 2 छोटे चम्मच डालिएगा, और उसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च, आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हो तो तीखी वाली लाल मिर्च डाल सकते हो, लेकिन हम लोग तीखा एकदम नहीं खाते हैं मयंक के लिए, तो कश्मीरी लाल मिर्च और उसके साथ नमक। बस सिंपल सा ब्रेकफास्ट वाली भुजिया मैं बना रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। इसको आप एक मिक्स दे दीजिए, बहुत अच्छा मिक्स दे दीजिए, ताकि पूरा मसाले कोड हो जाए आलू और परवल के अंदर। तो बस इसको अब लो फ्लेम में इसको छोड़ दीजिए 10-1 मिनट, और बीच बीच में इसको ढक्कन हटा के इसको थोड़ा सा स्टर देते रहिएगा। जब तक ये वाला हो रहा था तब तक रोटी मेरा, मतलब आटा मेरा लग चुका था, रेस्ट हो चुका था, तो मैं रोटी बनाने लगी थी बहुत जल्दी जल्दी। और तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, और चपाती बोलिए आप लोग, फुलके बोलिए, जो भी हो, तो फुली फुली अच्छे से हम लोग तो रोटियाँ ही बोलते हैं जी, थोड़ा रोटियाँ शोटियाँ हो जाए। तो बस दो दो रोटी एक साथ में सेक लेती हूँ तो बहुत आराम से हो जाता है मेरा काम, और बहुत जल्दी भी हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा रोटी रहता है ना, तो दो दो करके सेक लीजिएगा तो बहुत जल्दी काम निपट जाता है। और बीच बीच में मैं ये भुजिया भी देख ले रही हूँ कि पका है कि नहीं, अच्छे से भूनना चाहिए ना, तभी इसमें ना टेस्ट आएगा बहुत अच्छा। तो चलिए यहाँ पे मेरा रोटी सारे हो चुके हैं और भुजिया भी मेरा रेडी हो गया है, ये देखिए
कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और टेस्ट भी माइंड ब्लोइंग था। हम लोग सब बहुत अच्छे से खाए, सब बहुत तारीफ भी किया ये भुजिया का। तो ये मेरा रेडी हो गया है, चलिए अब ब्रेकफास्ट में सर्व कर लेती हूँ। इसको इस तरह से लाल लाल भुनिएगा, देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप लोग घर पे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, स्पेशली ब्रेकफास्ट में, आप लोग लंच में भी खा सकते हो। तो चलिए ये रहा हम लोगों का यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। मैंने एक अंडा दे दिया था फ्राई करके, शेखर जी बोले थे कि उनको अंडा चाहिए तो मैंने दे दिया था। तो आइए आप लोग भी हम लोग के साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, सॉरी मैं ना ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। मैं अभी जा रही हूँ मैं को लाने थोड़ी देर में, तो मैं रेडी हो गई थी, आधा रेडी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि देखो मैं रेडी हो गई लेकिन ब्लॉग एंड करना ही भूल गई। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी मेरा चावल के लिए, चावल हो रहा है मेरा, ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी एकदम से मैं को लाने। मैं फ्रेश हो गई हूँ, मेरा पूजा पाठ हो चुका है, मेरा लंच भी बन चुका है, किचन ऑलमोस्ट क्लीन है। सिर्फ मैं दिखा दूँ, लंच का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखो सिंक वगैरह पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, और मैंने क्लीन करने के बाद सोची अरे मैंने तो ब्लॉग ही एंड नहीं किया, सुबह ब्रेकफास्ट बनाई थी। तो ब्रेकफास्ट रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताने मत भूलिएगा। और एक नया चीज आया है, मतलब शेखर जी इज गिफ्टेड मी, मुझे पता नहीं था लेकिन मुझे बहुत जरूरत था। तो शेखर जी पता नहीं कब ऑर्डर कर दिए थे अमेजोन में, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कैमरा को स्टैंड कर लूँ फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलो जी कैमरा स्टैंड बाय कर लिया है मैंने, और शेखर जी मुझे फोन करके बोले, ब्रेकफास्ट करके तो वो निकल गए थे, तो फिर उन्होंने फोन करके मुझे बोला कि मैं जस्ट रेडी हो ही रही थी मैं को लाने जाना है बोल के, तो बोले कुछ आया है अमेजोन से तुम ले लो। हम बोले चलो देखते हैं, ओपन करके देखो गाइस, मैंने ओपन कर लिया सी एकदम न्यू वाला अप्पे पैन, मुझे जो बहुत जरूरत था उसके साथ ये वाला मिला है, एंड ये वाला एंड ये। इसमें मैं कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी और आज मैं इसको ओपनिंग नहीं करूंगी। चलो मैं, मेरा लंच वंच सब बन गया है, मैं जाऊंगी अभी मैं को लाने स्कूल। सो मैं यहाँ पे आज ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग आपको पसंद आए, किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड चैनल में नए हो, मेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो डू सब्सक्राइब माई ब्लॉग। तो और हाँ, जो लोग नए हो उन लोग के लिए मैं बोल दूँ, मैं एवरी ऑल्टरनेटिव डे शाम को 5 बजे के अंदर ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ, और अगर नेट इश्यू ना रहा तो, लेकिन एवरी ऑल्टरनेटिव डे मैं पोस्ट करती हूँ, 5 बजे के अंदर ही मैं करती हूँ। कभी कभी 5:30-6 हो जाता है क्योंकि थोड़ी लेट हो जाती है नेट इश्यू के लिए, नहीं तो 5 बजे के अंदर ब्लॉग आ जाती है मेरा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए अगर पसंद आए ब्लॉग तो, क्योंकि ब्लॉग बनाने में ना गाइस अच्छा लगता है, मतलब मुझे बेसिकली बहुत खुशी मिलती है, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों का कमेंट आते हैं ना कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब ये दिखाओ। हाँ बैड कमेंट्स तो आते हैं, बट इग्नोर इग्नोर इग्नोर, लेकिन जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोग इतना पसंद करते हो तो थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मुझे स्टिप्स ऑन योर इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।